हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणी स्वैग व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ दिल्ली में ही आपको एक अलग सिटी दिखाने, जो कि है एरो सिटी, सिटी ऑफ होटल्स। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको दिखाती हूँ। ये अलग ही सिटी है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। आपने सुना ही होगा दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, सबने सुना होगा उसका नाम। तो वहीं पर ये सिटी है, अलग ही है बिल्कुल। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। फिर चलिए आप मेरे साथ एक नए सफ़र पे। आज आपको मैं ले जा रही हूँ एरो सिटी में, आपको पता ही होगा, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास में है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ के नज़ारे, वहाँ पे नाइट लाइफ कैसी है और कैसे लोग वहाँ पे एंजॉय करने आते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पर क्या क्या करते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ आज एरो सिटी में, और मैं आज आपको दिखाती हूँ वहाँ की नाइट लाइफ कैसी है। यहाँ पे आपको जो लोग आए हैं उन्होंने देखे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए और करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज। तो आप जब यहाँ पे आएंगे, आपको स्टार्टिंग में ही हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई देगा जो कि बहुत पुराना है। मैंने यहाँ पर सुना है कि जब यहाँ पर ये चीज़ें बन रही तो इनको तोड़ने का बहुत कोशिश की गई, यहाँ पे बुलडोज़र चलाते थे वो टूट जाती थी। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ था। पता नहीं ये सच है या जो भी है, बट हमने जो कहानी सुनी है वो यही है कि इनका निर्माण तभी किया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ का अलग ही नज़ारा है, कितनी सारी लाइट्स है, कितनी सारी रोशनी है। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको अलग ही फील होगा कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह पे आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ आज आपको यहाँ के नज़ारे। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, और मेट्रो भी एक साधन है जिससे आप आ सकते हैं, वो बिल्कुल पास है इस IGI एयरपोर्ट के। और यहाँ पे आपको उड़ते हुए जहाज भी दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कितने सारे होटल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, करीब 15 से ऊपर यहाँ पे होटल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे यूरोपियन कंट्री की फील ले सकते हैं। देख ही रहे हैं मेरे सामने होटल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, और यहाँ पे बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए फेवरेट जगह है रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5-स्टार होटल्स हैं। उनके लिए खाना है अलग अलग तरह का, और आप देख ही रहे हैं लोग वॉक कर रहे हैं, यहाँ पर अलग ही नज़ारा है। देख ही रहे हैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर हर एक चीज़ परफेक्ट है, और आप कह सकते हैं आप घूमने आ सकते हैं। दोस्तों देखिए आप, यहाँ पे एक अलग ही नज़ारा है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, और लग ही नहीं रहा कि रात हो रखी है। यहाँ पे सामने मेरे वर्ल्ड मार्क 3 है, यहाँ पे 3 वर्ल्ड मार्क है, वर्ल्ड मार्क 1, वर्ल्ड मार्क 2 एंड वर्ल्ड मार्क 3। मैं आपको तीनों ही दिखाती हूँ कैसे है और यहाँ पे क्या क्या है। देख रहे हैं मेरे पीछे स्टारबक्स है, वर्ल्ड मार्क 1 में स्टारबक्स है, और एक दो रेस्टोरेंट्स और हैं, और यहाँ पे लुक्स है, सैलून है। तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, अगर आपको पार्टी करने के मूड से आ रहे तो वर्ल्ड मार्क 2 और 3 में आइए, उस साइड आपको क्या बार्स में मिलेंगे, पब है, उस साइड ही सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट भी है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आइएगा और देखिए। तो अब हम वर्ल्ड मार्क 1 से निकल रहे हैं। अब हम देखते हैं कहाँ जाते हैं, आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ की जो जो है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड मार्क है मेरे सामने, और अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से होटल्स हैं इसी रोड पे। तो चलिए मेरे साथ, ये देखिए बाहर का रोड है, बाहर का नज़ारा है, अगर ये अंदर वर्ल्ड मार्क है। और सामने देखिए मेरे बहुत सारे होटल्स हैं, आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको 15 से ज़्यादा 5 और 4 स्टार होटल्स मिलेंगे, जो कि IGI एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। देखिए यहाँ पे अभी भी रात, कितनी रात हो रखी है, और लोग घूम रहे हैं बड़े मज़े से, आराम से। और ये सामने देखिए मेरे वर्ल्ड मार्क 1 है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पंजाब ग्रिल और कई ऐसे हैं जो इसी लाइन में हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार खाना। मैं पंजाब ग्रिल में गई थी लास्ट टाइम, तो मुझे यहाँ का खाना अच्छा लगा था। और आगे देखिए मेरे, अभी मेरे सामने इसके वर्ल्ड मार्क के ख़त्म होते ही बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे कि लेमन ट्री, रेड फॉक्स और रोज़ यार्ड हाउस।
तो ये सारे होटल्स आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे। ये देखें यहाँ के रोड्स के नाम जो लिखे हैं मेरे सामने, ये गाड़ियाँ जा रही हैं बड़े ही आराम से। और फूड कोर्ट है मेरे सामने वर्ल्ड मार्क वन में, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे एक बार ट्राई करिएगा खाना यहाँ का। और देखिए कितनी ग्रीनरी है, एक अलग ही नज़ारा है। ये लग नहीं रहा कि हम दिल्ली में ही हैं। और मेरे सामने देखिए बहुत सारे होटल्स हैं, और यहाँ पे अगर आपको आएंगे तो सही में इंटरनेशनल वाली फ़ील आएगी कि यहाँ पे 5-स्टार होटल्स और ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देखिए ये लेमन ट्री और रेड फॉक्स की एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री है। लेमन ट्री और रेड फॉक्स की एंट्री गेट एक ही है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो दोनों में एक ही एंट्री गेट है क्योंकि एक ही है और उनके नाम अलग अलग रखे हुए हैं। तो देखिए ये मेरे सामने लेमन ट्री होटल है, ये बिल्कुल ही वर्ल्ड मार्क के साइड में है। और ये सामने रोज़यार्ड हाउस है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट साइड है रोड क्रॉस करके। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का 5-स्टार होटल्स का, आमने सामने आपको 5-स्टार होटल्स ही देखने को मिलेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का, अगर आप आए तो यहाँ पे एक बार ज़रूर जाइएगा और देखिएगा। और मेरे सामने अभी चलती हूँ मैं यहाँ पे आपको आगे लेके। देखिए लेमन ट्री और रेड फॉक्स होटल है मेरे साइड में बिल्कुल ही, और यहाँ पर आपको बहुत सारे 5-स्टार होटल्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको शायद ही दिल्ली में एक साथ कहीं देखने को मिले या किसी भी जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो। तो चलिए मैं आपको और भी दिखाती हूँ यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। आगे जाके इसके मेन रोड होता है जो कि आपको एक तरफ IGI एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है, दूसरा आपको गुड़गांव वसंत कुंज की तरफ लेके जाता है। ये देखिए रोज़यार्ड हाउस बिल्कुल मेरे सामने है, लेमन ट्री और रोज़यार्ड हाउस अपोजिट साइड है एक दूसरे के। और यहाँ पे इसी के बिल्कुल सामने मेन रोड है जो कि एक IGI एयरपोर्ट की साइड जाती है और दूसरी वसंत कुंज की साइड जाती है और गुड़गांव की साइड जाती है। तो अगर आप यहाँ पे गुड़गांव से भी आ सकते हैं, गुड़गांव से भी बहुत पास पड़ता है, वसंत कुंज से भी, साउथ दिल्ली में है ये और IGI तो बिल्कुल पास है ही। तो देखिए लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। और चलिए आपको और भी आप नज़ारे दिखाती हूँ, लोग स्कूटियों पे घूम रहे हैं, देखिए अलग ही नज़ारा है यहाँ का एकदम बिल्कुल ही। और ये मेरे सामने एबिस होटल है, और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे होटल्स हैं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ज़रूर आइएगा एक बार, देखिएगा यहाँ पे नज़ारे। तो दोस्तों हम निकल लिए वर्ल्ड मार्क से और मेरे सामने अब आ रहा है महिपालपुर। तो यहाँ पे भी बहुत सारे होटल्स हैं जो बजट के हैं, 3-स्टार 2-स्टार सारे होटल्स हैं। अगर आप 3-स्टार 2-स्टार होटल में रहना चाह रहे हैं तो आप महिपालपुर की साइड होटल देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए लोग कैसे खड़े हुए हैं, यहाँ पे आप 24 आवर्स आ जाइए, रात को भी कितने बजे भी आइए आपको ये लोग यहीं पे दिखेंगे ऐसे ही बैग लटका के घूमते। मुझे आज तक समझ नहीं आया ये लोग कहाँ जाते हैं और क्या कर रहे हैं, बट फिर भी हमने जब भी देखा इन लोगों को यहाँ पे, मतलब भीड़ मिली है हमें रात के 1 बजे आए, 2 बजे आए, किसी भी टाइम आए। और मैं ऐसा नहीं है मैं यहाँ की बुराई कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद महिपालपुर से हूँ तो मैं जानती हूँ यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छे से। और तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको शॉपिंग का 24/7 भी है और आपको कुछ चाहिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप देख ही रहे हैं कि लोग कैसे और यहाँ पर भीड़ कैसे है। तो ये भीड़ अभी नहीं है, भीड़ हमेशा ही आपको यहाँ पे मिलेगी क्योंकि बिल्कुल एयरपोर्ट के पास पड़ जाता है। और यहाँ पे होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शोरूम्स भी हैं और भी जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको होटल्स के साथ साथ खाने का भी मिलेगा, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। देखिए मेरे सामने ये यहाँ पे ये खाने की चीज़ें अवेलेबल है, आपको हर बजट की यहाँ पे खाने की चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं IGI के पास रुक रहे हैं तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, यहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिलेगा, नॉन वेज, वेजिटेरियन, चाइनीज, तो आप कुछ भी अगर खाना चाहें तो यहाँ खा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए अपनी सोसाइटी में, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी दिल्ली की नाइट लाइफ। और तो चलिए दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।